गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं गुलाब पटेल श्रद्धा इंटर कॉलेज कचनारा वाराणसी से कक्षा 9 के इंग्लिश ग्रामर में पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ इज आर एम और वाज वेयर। तो जैसा कि बच्चों हमने अभी इट और देयर का प्रयोग पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग इज आर एम वाज वेयर का प्रयोग पढ़ेंगे। आप लोग जानते भी होंगे, इसमें बहुत सारी डिटेल्स नहीं हैं, तो हम लोग जानते हैं कि देखेंगे अब हम लोग पढ़े को। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है हूँ हो, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है हूँ हो लगा हो, तो अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय इज आर एम का प्रयोग करते हैं। इज आर एम का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में एक वचनकर्ता के साथ, इज बहुवचनकर्ता के साथ, आर तथा आई के साथ सदैव एम का प्रयोग करते, ये तो सभी लोग जानते हैं। फिर उसमें होता है अफर्मेटिव, ए डबल एफ आई आर एम ए टी आई वी ई सेंटेंस, यानी स्वीकारात्मक वाक्य। तो स्वीकारात्मक वाक्य में हम लोग देखेंगे कि वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय, वह भूखी है, सी इज हंग्री, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन उसके अंत में है होना चाहिए। अब कुछ भी का मतलब ऐसा नहीं कि टेंसों पर जाएं, अभी टेंस में पढ़ना है, तो टेंस में सारी डिटेल्स दिए जाएंगे। राम एक अच्छा लड़का है, तो क्या होगा, राम इज ए गुड बॉय। मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। तो जैसा कि बच्चों आपने एग्जांपल देखा कि वह एक लड़का है और वह भूखी है, वह प्यासी है, वह नाचती है, कुछ भी लगा सकते हैं, है होना चाहिए, ठीक, जैसा कि प्रेजेंट में है। फिर उसके बाद आता है इसके बनावट कुछ है, जैसे कि हम लोग सेंटेंस को कैसे रखेंगे। बनावट का मतलब यही होता है कि हम लोग सेंटेंस को किस प्रकार से रख करके देखेंगे, केवल रखना ही है। अगर हम लोग बनावट जान गए तो हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी किसी भी सेंटेंस को बनाने में। तो सबसे पहले बनावट एंड स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्ट्रक्चर में क्या है कि सबसे पहले क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। सबसे पहले किसी भी वाक्य का क्या होना चाहिए, कर्ता। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि वह एक लड़का है, तो सबसे पहले कर्ता कौन है, वह। सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, वह, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, ही। देखिए सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब अलग से नहीं, इज आर एम यहीं आएंगे, उसके बाद ए एन होना चाहिए, यहाँ पर एक और ए एन, ठीक से नहीं दिख रहा है, इसको कट कर, एन आर्टिकल होते हैं, ए एन द, जो कि हम लोग ए का प्रयोग किसके साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं, सभी के साथ, ठीक। लेकिन एन का प्रयोग जो है वह किसके साथ करते हैं, बताओ किसके साथ, एन का प्रयोग हम लोग हनेस्ट, जैसे जब स्वर ए स्वर से स्टार्ट हो तो हम लोग क्या करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। उसमें कई सारे ऐसे भी वर्ड्स हैं जो साइलेंट मोड में आते हैं, जैसे ऑनेस्ट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तो उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, एन। फिर उसके बाद आर्टिकल द, बड़े स्थानों के नाम, जो महान चीज़ें हैं, नदी, पशु पक्षी, पहाड़ों के, पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, इसका भी हम एक वीडियो बना कर दे देंगे। फिर उसके बाद नाउन आता है, नाउन के बारे में सभी लोग जानते हैं कि नाउन संज्ञा कहा जाती है, ठीक। तो फिर उसके बाद अदर वर्ड्स, तो देखेंगे एग्जांपल के तौर पर, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, ठीक। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, तुम, तो तुम की स्पेलिंग हमने क्या लिखा, यू, क्या लिखा हमने, यू। फिर उसके बाद हमने कहा कि इज आर एम, इसमें से कोई भी आ सकता है, ठीक। तो इसमें से अब इज क्या है, इज हमारा एक वचन के लिए है, जैसा कि हमने ऊपर दिया था, इसके लिए कि टेंस प्रेजेंट टेंस में एक वचनकर्ता के साथ इज, ठीक, एक वचनकर्ता के साथ क्या लगाए थे हमने, इज, और बहुवचनकर्ता के साथ आर। तो यू हमारा एक बहुवचनकर्ता है। एक वचनकर्ता में हम लोग जानते हैं कि ही, सी, इट, नाम इत्यादि आते हैं। एक वचनकर्ता कौन कौन आते हैं, ही, सी, इट इत्यादि नाम, और बहुवचन कर्ता कौन आते हैं,
यू हो गया, दे हो गया, दीज हो गए, ठीक, और वी हो गया, इत्यादि ये सब हमारे क्या हैं, बहुवचन करता है। तो यहाँ यू हमारा बहुवचन करता है, तो उसके साथ हमने क्या लगाया है, आर। पहले सब्जेक्ट हमने ले लिया, सब्जेक्ट हमारा हो गया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जिसके अनुसार अपने कर्ता के अनुसार, तो क्या हो गया, आर आ गया। फिर हमने कहा यू आर, फिर उसके बाद आर्टिकल, इनके बाद तुरंत हमने क्या लाया, आर्टिकल ए एन द। अब हमने कहा कि सभी के साथ ए का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो स्वर हैं उसके साथ एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ ए ये हमारा क्या है, आर्टिकल है, और गुड, गुड हमारा एडजेक्टिव है जो क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है किसके, विद्यार्थी के अच्छे होने की विशेषता बता रहा है, गुड स्टूडेंट, ये हमारा स्टूडेंट क्या है, नाउन है। उसके बाद अदर वर्ड आएंगे, फिर तुम एक नटखट लड़के हो, तुम कैसे लड़के हो, नटखट लड़के हो, तो क्या होगा बोलो, तुम एक नटखट लड़के हो, तो फिर वही सब्जेक्ट लाइए यू, फिर उसके बाद यू हमारा बहुवचन का करता है, फिर कह लाइए आर लाइए, फिर उसके बाद फिर अ, यानी कि एक के लिए अ का, ए का भी प्रयोग करते हैं, और यह कभी कभी वाक्य की सुंदरता के लिए भी हम लोग पढ़ते हैं, या जैसे पढ़ने में अच्छा लगे, यू आर ए गुड स्टूडेंट, यू आर ए गुड बॉय, ठीक, कभी कभी ए का प्रयोग, ए ना रहे तो भी हम लोग ए का प्रयोग कर सकते हैं। तो यू आर ए नॉटी बॉय, यू आर ए क्या होगा, नॉटी बॉय। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट यू था, यू, फिर उसके बाद आर, फिर उसके बाद अ, नटखट या शरारती, और नॉटी बॉय, लड़का कैसा है, शरारती है, ये क्या हमारा एडजेक्टिव, विशेषता बता रहा है किसके, लड़के के, कि शरारती लड़का है। फिर इसके लिए भी हमने दूसरा स्ट्रक्चर बनाया है कि एडजेक्टिव भी आ सकते हैं, एडजेक्टिव जैसे सब्जेक्ट हो गया, फिर इज आ रहे हैं, फिर ए एंड द, फिर एडजेक्टिव, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स। तो अदर वर्ड्स के बाद हम लोग देखेंगे क्या आ रहा है हमारा, कि वह ईमानदार है, ही इज एन ऑनेस्ट। अब देखिए यहाँ पर एन का प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि यहाँ यच साइलेंट है, इसलिए हमने एन का प्रयोग किया है। यह क्या, वह व्यक्ति किसका है, या किसी को भी नाम लेकर कर सकते हैं, कि राम ईमानदार है, तो राम कैसा है, राम का करेक्टर ईमानदार, यानी वह क्या है, ईमानदार है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। तुम सुंदर लड़की हो, यू आर ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखिए सब्जेक्ट लाइए, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आर्टिकल, फिर ब्यूटी, अब ये हमारा एडजेक्टिव है, फिर उसके बाद गर्ल हमारा नाउन है, यानी ये इसकी विशेषता बतला रहा है, वह बुद्धिमान है, ही इज वाइज, वह क्या है, बुद्धिमान। बच्चों हो तो रहा था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस या स्वीकारात्मक या साधारण वाक्य, अब उसी क्रम में हम लोग एक नकारात्मक वाक्य को लेकर चलते हैं। तो नकारात्मक वाक्य के लिए हम लोग कुछ जानेंगे, थोड़े बहुत ऐसे वाक्य जिनमें किसी कार्य का न होना पाया जाए, या उसका उत्तर किसमें हो, नकारात्मक में हो, किसमें हो, नकारात्मक में, उसका उत्तर किसमें हो, नकारात्मक में हो, तो वह क्या कहलाता है, निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। कुछ करना नहीं, सेम प्रोसेस, डरने की कोई बात नहीं, एकदम आराम से वीडियो को देखिए और वीडियो को सुनिए, ध्यान से सुनिए और देखते जाइए क्या होते हैं, और बहुत कठिन नहीं है। इसके लिए भी हमने बनावट लिखा है, बनावट में सबसे पहले हमने हर जगह हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम चाहिए, फिर उसके बाद क्या चाहिए, नेगेटिव वाक्य यानी नकारात्मक है तो नॉट, फिर उसके बाद फिर आर्टिकल, फिर उसके बाद नाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, और अदर वर्ड्स। इसमें हमने नाउन और एडजेक्टिव दोनों इसलिए किया क्योंकि हमें दो स्ट्रक्चर न बनाना पड़े। अब हम इसको नाउन से समझेंगे, इसको एडजेक्टिव से, तो इसका ध्यान रखेंगे बच्चों कि कुछ चीज़ें शॉर्ट की गई हैं, तो उसको हम लोग पिछले यानी अभी अभी पढ़ाया गया जो नेक्स्ट या इससे पीछे प्रीवियस जस्ट प्रीवियस में हमने बताया है, ठीक। तो उसके बाद स्ट्रक्चर हमने देख लिया, फिर मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ, यहाँ कैसा वाक्य आ गया, नकारात्मक, क्या कह रहे हैं कि मैं एक क्या हूँ, विद्यार्थी नहीं हूँ, तो अब क्या होगा, फिर वही कंडीशन, पहले सब लोग हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट मतलब कर्ता होता है, और कर्ता को हम लोग ये डिसाइड कर लें कि कर्ता हमारा एक वचन का है कि बहुवचन का है, ये सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा।
और जब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि कर्ता हमारा एक वचन का है कि बहुवचन का, तब हम उसके अनुसार क्या सहायक क्रिया, या बल्कि ये कह लीजिए कि हम लोग इज आर एम का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें क्या लाना पड़ेगा, इज आर एम ही लाना पड़ेगा। तो वह सहायक क्रिया ही होता है। सहायक क्रिया उसे कहते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। तो सहायक हो, जोड़ने में सहायक हो, इज आर एम, फिर उसके बाद हमारा निगेटिव वाक्य आ रहा है तो नॉट, फिर उसके बाद आर ए एंड द, फिर उसके बाद नाउन एडजेक्टिव, फिर अदर वन। तो जैसा कि एग्जाम्पल में है कि मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ, तो क्या हुआ कि आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। देखिए हमारा कर्ता क्या था, आई, मैं के लिए हमने बताया था, क्या बताया था कि आई के साथ सदैव एम का प्रयोग करते हैं। हमने बताया कि प्रेजेंट टेंस में एक वचन कर्ता के साथ एक वचन, फिर हम बता दे रहे हैं कि एक वचन कर्ता में कौन कौन से आते हैं, ही, सी, इट इत्यादि के साथ साथ नाम भी आते हैं। और नाम कोई भी हो, अगर सिंगल नाम है तो एक वचन, और डबल नाम जैसे राम श्याम हो गया तो ये बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। तो एक नाम है तो एक वचन उसके साथ इज, और बहुवचन कर्ता की बात करते हैं तो बहुवचन कर्ता में आता है यू, वी, दे, और उसमें दो नाम आ सकते हैं। जहाँ कहीं भी दो नामों का जिक्र हो, जैसे राम और श्याम, सीता और गीता, ठीक, तो इन सब कंडीशनों में, इन सब समय हम लोग उनके लिए आर का प्रयोग करेंगे। तो मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो यहाँ मैं न तो बहुवचन है न तो एक वचन है, इसके लिए डिक्लेयर किया गया है, इसके लिए निर्धारित किया गया है कि इसके साथ केवल हम एम का ही प्रयोग करेंगे। केवल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं और बाकी में हम लोग बताएंगे। बाकी में जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर पास्ट में जाएंगे तो आई के साथ, आई को उसमें एक वचन मान लिया जाता है और वाच का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बच्चों हम लोग इसको देखते हैं आगे। मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो आई एम नॉट अ स्टूडेंट। हमने कहा कि जब अगर वाक्य साधारण हो तो हमने कहा कि सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर ए एंड द, फिर नाउन या एडजेक्टिव, फिर अदर वर्ड्स। लेकिन जो ही वाक्य हमारा नेगेटिव होता है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब यानी इज आर एम के तुरंत बाद क्या करते हैं, नेगेटिव शब्द यानी नॉट का प्रयोग करके वाक्य को पूरा करते हैं। दूसरा है, वह ईमानदार नहीं है। वह क्या नहीं है, ईमानदार नहीं है, ठीक। तो ही इज नॉट ऑनेस्ट, ही इज नॉट एन ऑनेस्ट। यहाँ पर हम लोगों को एन का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ऑनेस्ट क्या है, साइलेंट है, एच यहाँ पर साइलेंट है, यानी ओ से इसका उच्चारण होगा ऑनेस्ट। ही इज नॉट एन ऑनेस्ट। दूसरा है, वे चोर नहीं है। देखिए वे चोर नहीं है तो क्या होगा, दे आर नॉट थिप्स, चोर। वे बहुवचन में आता है इसलिए हमने थिप न करके बल्कि थिप्स का प्रयोग किया है, यानी बहुत सारे लोग हैं, कि वे बहुत सारे लोग जो है वो चोर नहीं। बच्चों आगे हम लोग देखेंगे, नोट में कुछ हमने लिखा है कि जैसे इसमें तो लिखे थोड़े से हैं लेकिन इसका पूरा डिटेल होगा कि जब वाक्य में नहीं के स्थान पर कभी नहीं आए, जब वाक्य में या जब हिंदी वाक्य में नहीं के स्थान पर कभी नहीं शब्द आए तो होने पर हम लोग नॉट के स्थान पर नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि नॉट के स्थान पर नेवर का प्रयोग करते हैं। जैसे वह बेईमान कभी नहीं है, वह बेईमान कभी नहीं है, वह चोरी कभी नहीं की, ठीक। बहुत सारे सेंटेंस है, इसको आप लोग देखते रहेंगे और एग्जांपल करते रहेंगे। जितने ही एग्जांपल आप लोग करेंगे उतने ही आप लोगों के लिए फायदा होगा कि मजबूती बनती जाएगी। वे बेईमान कभी नहीं है, तो हमने जैसा बताया कि जब वाक्य में नहीं के स्थान पर कभी नहीं आता है, कौन आता है, कभी नहीं, तो कभी नहीं के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, नेवर का प्रयोग करते हैं। जैसे वह बेईमान कभी नहीं है, ही इज नॉट डिसहोनेस्ट, ही इज नॉट, हमने बोला लेकिन नॉट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमने अभी अभी इसका एग्जाम्पल बताया कि कभी नहीं के स्थान पर हम लोग क्या लगाएंगे, नेवर। तो वह बेईमान कभी नहीं है, तो ही इज नेवर डिसहोनेस्ट, ठीक। आगे देखेंगे बच्चों इसी क्रम में इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
जैसा कि हमने बताया कि सेंटेंस अभी सेंटेंस इसके बाद हम लोग सेंटेंस का भी एक वीडियो बना देंगे, जैसा कि आप लोग पढ़े भी होंगे सेंटेंस, सेंटेंस कैसे कैसे होते हैं, सेंटेंस के कई प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, निगेटिव, ठीक, ये डबल इंटरोगेटिव, ठीक। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्न सूचक शब्द भी इसे कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि यदि वाक्य के आरंभ में, पहले हम लोग इसकी डिफिनीशन जान लेते हैं कि ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछा जाए या प्रश्न किया जाए, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाए या प्रश्न किया जाए प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो अब प्रश्न पूछेंगे तब ना, तो बोलेंगे कि तुम्हारा क्या नाम है या क्या कर रहे हो, ठीक, तो ये हम प्रश्न ही कर रहे हैं। तो जब इसका कोई उत्तर निकलता है तो ये प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। आगे देखेंगे कि यदि वाक्य के आरंभ में प्रश्नसूचक शब्द क्या शब्द लगा हो, तो जैसे वाक्य आरंभ हो रहा है, तो इसमें हमने बताया कि दो टाइप होते हैं। दो टाइप में कौन कौन होते हैं, पहले एक फर्स्ट टाइप में हम लोग क्या से आरंभ होने वाले लेते हैं, और सेकेंड टाइप में कि डब्ल्यू एच वर्ड, जिसको हम लोग प्रश्न सूचक शब्द को डब्ल्यू एच वर्ड के नाम से जानते हैं। तो जब प्रश्न सूचक शब्द या डब्ल्यू एच वर्ड वाक्य के आरंभ में आते हैं तो उसे हम फर्स्ट टाइप कहेंगे, या जब वाक्य के बीच में आएंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप में हम लोग देखेंगे कि यदि वाक्य के आरंभ में प्रश्न सूचक शब्द क्या शब्द लगा हो, तो वाक्य के कहाँ लगा हो, यदि वाक्य के आरंभ में प्रश्न सूचक शब्द क्या लगा हो तो अनुवाद बनाते समय इज आर एम, यानी अब हमने कहा कि हेल्पिंग वर्ब यही है, तो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का प्रयोग वाक्य के आरंभ में करते हैं, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, एक प्रश्नवाचक चिन्ह होता है जिसे आप देख लेंगे इसकी बनावट से, ठीक, कुछ इस प्रकार से होता है, तो जरूर लगाते हैं। अगर प्रश्नवाचक वाक्य नहीं लगाएंगे और प्रश्नसूचक शब्द, तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो सकता है या गलत हो जाएगा। जैसे क्या वह बूढ़ा है, इसके लिए हमने पहले एग्जांपल दे दिया, उसके बाद स्ट्रक्चर, क्या वह बूढ़ा है, यहाँ क्या वह बूढ़ा आदमी है भी हो सकता है, और बूढ़ा क्या होता है, आदमी होता है, बैल होते हैं, भैंस होते हैं, जो भी जानवर होते हैं, तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, क्या वह बूढ़ा आदमी है, क्या वह बूढ़ा आदमी है। अब यहाँ पर हमने इसको क्या वह बूढ़ा आदमी है, यहाँ इसको हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ध्यान देंगे बच्चे, क्या वह बूढ़ा आदमी है, तो क्या होगा, सबसे पहले हमने कहा कि अब इसके लिए स्ट्रक्चर देख लेंगे, थोड़ा सा उसके नीचे हमने स्ट्रक्चर दिया है, कि क्योंकि कुछ चीज़ें प्रश्न बनेगी तब तो हम लोग जानेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद ए एंड द लाएंगे यानी आर्टिकल लाएंगे, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव या अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। तो क्या वह बूढ़ा आदमी है, तो इज ही एन ओल्ड मैन। देखिए सबसे पहले इज आर एम अपने कर्ता के अनुसार, कर्ता हमारा वह है, तो उसके अनुसार, और यह क्या आया है, इसलिए यह आरंभ में आया, इसलिए इसकी स्पेलिंग हम नहीं लिखेंगे, बल्कि हम अपने कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता आएगा, उसके बाद ए एंड द आर्टिकल आया है, जैसे कि आपको दिखाया गया है एग्जांपल में, फिर उसके बाद ओल्ड मैन लाइए या कुछ भी लाइए, अदर वर्ड भी ला सकते हैं, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, ठीक। फिर देखेंगे क्या वे नाराज़ हैं, आर दे एंग्री, क्या फिर आएगा इज आर एम यानी हमारा सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन, आर दे एंग्री, ठीक। आगे भी एग्जांपल एक देखेंगे, लिखा गया है क्या वे खिलाड़ी हैं, आर दे प्लेयर्स, ठीक। देखिए बच्चों एक चीज हम फिर से आपको बता, बच्चों इस एग्जाम्पल को फिर से देखेंगे, क्या वे नाराज हैं, जैसा कि अभी हमने बताया कि क्या वे खिलाड़ी हैं, तो अभी या तो इससे पहले हमने किसका जिक्र किया था, थीप्स का, यहाँ आएंगे हम लोग चोर के लिए, ठीक, और यहाँ भी एंग्री है, क्या वे नाराज हैं, दे आर एंग्री, और वो भी है।
क्या वे खिलाड़ी हैं? क्या वे खिलाड़ी हैं? तो आर दे प्लेयर्स? क्या तुम बहादुर हो? आर यू ब्रेव? ठीक, उसके बाद दूसरे टाइप में हम लोग चलते हैं, इसी प्रश्नवाचक वाक्य के दूसरा टाइप है। यदि प्रश्न सूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे और कहाँ आदि से वाक्य के बीच में आए, आदि शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे वाक्य के बीच में आए, तो अनुवाद बनाते समय सबसे पहले इसकी स्पेलिंग लिखते हैं। अभी हमने बताया कि अगर वाक्य के आरंभ में आता है तो इसकी स्पेलिंग नहीं बल्कि सहायक क्रिया लिखते हैं, और यदि वाक्य के बीच में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी क्या करते हैं, अंग्रेजी लिखते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर दे दिया है कि WH वर्ड, फिर ERM, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद एंडर, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें। तो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तो कौन शब्द बीच में आ गया, तो कौन शब्द का स्पेलिंग सबसे पहले, यहाँ हमने कौन का जिक्र नहीं किया है लेकिन कौन भी होगा, ठीक, तो कौन भी प्रश्न सूचक शब्द है। तो मैं कौन हूँ, तो हु सबसे पहले कौन की स्पेलिंग हु, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद अदर वर्ड है ही नहीं तो अदर वर्ड नहीं लिखेंगे, जिसमें होगा उसमें लिखेंगे। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? ठीक, अब कहाँ हैं, तो सबसे पहले वेयर, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, वेयर इज योर फादर, वेयर इज योर फादर। तुम कौन हो, हु आर यू, सबसे पहले कौन की स्पेलिंग हु, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तुम के आंसर आर, और फिर उसके बाद यू सब्जेक्ट हमारा। तुम क्यों बीमार हो, तुम क्यों बीमार हो, तो वाई आर यू इल, और यहाँ क्वेश्चन मार्क जरूरी है। धन्यवाद बच्चों, वीडियो कैसा लगा उसको लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स में जो भी कमियाँ हो उसे बताइएगा। धन्यवाद।